हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर जो औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार क्यों हुआ, औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, इसका दो रीजन बताना है, मात्र दो कारण बताना है कि औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार हुआ, तो अगर हुआ तो हुआ तो क्यों हुआ। इसका दो ही हमें कारण बताइए, दो रीजन बताइए, है ना। प्लीज टेल मी टू रीजन्स। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले हम आंसर जानने से पहले ये समझते कि औपनिवेशिक काल कहते किसको, ठीक है। औपनिवेशिक काल का मतलब वैसे काल या वैसा समय जब अंग्रेजों के शासन काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। अंग्रेजों के शासन काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं, ठीक है। काल मतलब समय, अंग्रेजों के शासन के समय को, या अपने भाषा में लिख सकते हो कि अंग्रेजों के शासन के समय को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसका दो कारण क्या। तो पहला कारण बता कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल के लिए, मान लीजिए जो पटसन था, गन्ना था, गेहूँ था, कपास था, ये इसका खूब विस्तार किया। भाई इसका विस्तार क्यों किया, देखिए तो समझने वाला बात है कि खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना होती थी कि भैया अगर हम ये सब का खेती करते हैं, पटसन का, गन्ना का, गेहूं का, कपास का, तो इसे अधिक से अधिक आमदनी, अधिक से अधिक आय आने की संभावना है। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, व्यावसायिक फसलों पर अधिक से अधिक जोर दिया और इसके लिए अधिक से अधिक खेतों का विस्तार किया, ठीक है। खेत के क्षेत्रफल को बढ़ाया, जैसे मान लीजिए खेत कम पड़ रहा है तो इसको और खेत को बना करके बढ़ा करके और इसमें अधिक से अधिक पटसन, अधिक से अधिक गेहूँ, अधिक से अधिक कपास इत्यादि का क्या किया, तो इसको उत्पादन करने पर खूब जोर बल दिया ताकि हम इससे अधिक से अधिक इनकम कमा सकें, आय प्राप्त हो सके। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में खेती के विस्तार होने का पहला कारण निम्नलिखित कारण है। पहला ये है कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों पर जोर देने के लिए खेती का विस्तार किया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास इत्यादि से अधिक इनकम आने की संभावना है, अधिक आय प्राप्त करने की संभावना है। इसीलिए अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार किया। अरे भैया आप हमारी जो भाषा सुन रहे हो ना, उस भाषा में लिखने की कोशिश करो, इस भाषा में लिखने की कोशिश मत करो। हमारे पास टाइम नहीं था इसीलिए हमने खुद से टाइपिंग नहीं किया, हमारे पास टाइम नहीं था इसीलिए मैंने एक एक सवाल को वीडियो बना करके नहीं डाल पाया, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नज़दीक है। फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझा करके बताने का। तो मैं जो आपको वीडियो समझा रहा हूँ, आपको अगर आप हमारी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज़रूर समझेंगे, इसकी गारंटी है। और अगर समझ जाते हैं तो इसका आंसर खुद अपनी भाषा में लिखेंगे, इसकी भी गारंटी है। और अगर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे तो इसका ये आंसर कभी भी आपको अच्छा नहीं लग सकता है। तो चलिए इससे एकदम मतलब नहीं रखिए, ये आंसर हम लिखे हैं या लिखा हुआ है, ये आंसर से एकदम मतलब मत रखो यार, ये तो किताब में रखा हुआ है, तो फिर आप हमारे वीडियो को क्यों देख रहे हो, बता। सोचने की बात है, अगर आप सारा आंसर क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है घर पे, किताब पे, तो फिर आप स्कूल क्यों जाते हो, टीचर के पास क्यों जाते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो समझने के लिए। चलिए तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि आखिर अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों पर, सबसे पहले पूछा कि औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार क्यों हुआ, तो हम कहेंगे कि औपनिवेशिक काल कहते हैं, वो पहले बताएंगे कि सबसे पहले आप लिखिएगा एग्जाम में कि औपनिवेशिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसमें अंग्रेज शासन करते थे। तो अंग्रेज जिस काल में शासन करते थे उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं, और औपनिवेशिक काल में खेती के विस्तार होने के निम्नलिखित कारण है। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसे आप पे कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहिए, ठीक है, लिखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को ऐसे जैसे तैसे देखो, रास्ते में जा रहे हो, देख रहा नींद आया सो गया, अरे ऐसा नहीं करो यार, वीडियो को आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हो तो उसको सुन करके लिखने की कोशिश करो। हम जैसा लिखा रहे वैसा लिखो, मैं आपको ऑनलाइन लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं, तो वैसे काल जिसमें अंग्रेजों के शासन काल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आप। फिर लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इसके बाद लिखिएगा कि औपनिवेशिक काल में खेती विस्तार होने के निम्नलिखित दो कारण इस प्रकार से हैं। पहला लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि औपनिवेशिक काल में खेती के विस्तार होने का कारण था क्योंकि अंग्रेज को ऐसा लगता था कि पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास, है ना,
इस खेती करने से, इसका फसल उगाने से अधिक आय प्राप्त होगी। इसीलिए अंग्रेजों ने, इसीलिए औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने खेती का अधिक विस्तार किया। कंप्लीट हो गया, मैंने जैसा बोला वैसा लिख लिया, खत्म किया। दूसरा बात क्या था, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इन व्यावसायिक फसलों को पैदावार को बढ़ा दिया। अर्थात दूसरा कारण लिखिएगा कि इंग्लैंड में कारखानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी, अधिक मांग थी, इसलिए औपनिवेशिक काल में व्यवसायिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ाया। क्योंकि खेती बड़ा होगा तब तो फसल अधिक उत्पादन होगा, अगर खेती छोटा होगा तो फसल भी छोटा होगा। मान लीजिए खेत 1 एकड़ का है तो उतना ही फसल निकलेगा, अगर खेत 10 एकड़ का है इतना बढ़ा दिए तो फसल भी ज़्यादा उत्पादन होगा और अधिक से अधिक हम इंग्लैंड को भेज पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस प्रकार से लिखना है, आंसर राइटिंग करना है। तो देखिए, समझना अलग बात है, लिखना अलग बात है, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर आप रटना चाहते हो, रट्टू तोता हो, तोता मैना हो, तोता हो, तो भैया इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारा कोशिश यही रहता है, हम बच्चों से यही कोशिश करते हैं कि भैया आप अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट भर भर के ले लो। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास होगा ना तो आंसर दौड़ के आएगा। जैसे आपने 3 डेट में डायलॉग सुना कि नहीं सुना, देखो डिग्री मायने नहीं रखता, डिग्री मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है कि नॉलेज आपके पास क्या है, ठीक है। तो टैलेंट अगर आपके पास है, अगर आपके पास टैलेंट है ना, टैलेंट अगर आपके पास है तो नौकरी है ना, तो और नौकरी और डिग्री झक मार के आपके पास वापस आएगी, समझ गए ना। सिर्फ आपके पास टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नौकरी और कुछ भी चीज़, पैसा हो या कुछ भी चीज़ हो, आपके पास झक मार के आएगा और दौड़ के आएगा, आपको दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, ब्रांडेड चीज़ अगर कोई वस्तु देखते हैं, ब्रांडेड कोई कपड़ा, ब्रांडेड कोई जूता कपड़ा अगर लेते हैं, तो आप उसके तक जाते हैं, वो आपके पास नहीं आता, वो आपके पास घर नहीं आता बेचने के लिए, लीजिए खरीदिए ऐसे कीजिए। आप सुनते हैं, सर्च करते हैं और जानते हैं कि ये ब्रांडेड का मतलब ये होता है, ये अच्छा क्वालिटी होता है, तो आप ढूंढ करके अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे ढूंढ के मंगाते हैं या दुकान में ढूंढ करके जाके खरीदते हैं, वो आपको ढूंढने नहीं आता कि भैया खरीदो। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास क्वालिटी होगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, तो आंसर आपके पास दौड़ के चला आएगा, ना कि आपको आंसर के पास जाने की जरूरत है। मत कहने का मतलब ये है कि आपको किताब के पास ढूंढने की जरूरत नहीं, टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं, मतलब आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए, टीचर से एक बार कॉन्सेप्ट ले लिए, कहीं भी स्कूल में, कोचिंग में, ऑनलाइन में, हर जगह किताब से, कहीं भी किसी तरह से अगर कॉन्सेप्ट को आप ले लेते हैं, समझिए आप इजी वे में आंसर को लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और आपको याद भी रहेगा बहुत सदियों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको मैं ये बता दूँ कि हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, तो वहाँ पे जाकर के फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में, हर जगह ट्विटर, हर जगह कहीं भी शेयर कीजिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।